फिर भी देहात के आदमी खुश हैं, लकड़ी सुखाए जा रहे हैं, ठंड में तो लकड़ी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यह वीडियो संडे के दिन का है और मैं सुबह सुबह उठ करके घर की साफ सफाई में लग गई हूँ और हस्बैंड और बाबू दोनों अभी सो रहे हैं। कल रात के लगभग 2:15 बजे हस्बैंड आए और चूँकि हम लोग को जाना है गांव, तो मैं अपने समय से ही उठ के 4 बजे मेरी नींद खुल गई और मैं 4:30-5 से लग गई काम में। और सबसे पहले मैं बाथरूम वगैरह की सफाई की, कपड़े की सफाई करूँगी, तो ये सारे काम मैं कर ली चूँकि आज है संडे और फिर अगले संडे तक में कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आज मुझे निकलना है गांव के लिए भी। यहाँ देख सकते हैं बाबू भी सो रहा है क्योंकि वो पापा को लाने गया था स्टेशन वगैरह, तो वो भी जग चुका था, तो उसकी भी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो भी सो रहा है, ये भी सो रहा है। इस बीच में मैं घर के लगभग सारे काम समाप्त कर ली, वो लोग उठेंगे तो मैं स्नान वगैरह करके तब चाय पीऊँगी और उसके बाद से जैसा वो कहेंगे कि कितने बजे से निकलना है तो मैं अपनी तैयारी करके रख ले रही हूँ। उसके बाद मैं स्नान ध्यान कर लूँगी, उसके बाद खाना भी बना लूँगी और बाबू के लिए खाना रख करके और हम लोग अपना खाना पैक कर लेंगे और वहीं पहुंच के खाएंगे। तो हम लोग निकल लिए हैं गांव के लिए, लगभग 11:30-11:26 पे हम लोग निकले हैं, तो 2.5 घंटे लगेंगे गांव पहुंचते हुए। और यहाँ अब मैं अपने गांव की तरफ मुड़ गई हूँ, यहाँ से हमारा गांव है 3 किलोमीटर। इस बार मैं आपको अपना पूरा गांव दिखा रही हूँ, लगभग 3 किलोमीटर। और ये सब खेत होता है, इस साइड में आबादी कम है, सारे जितने पूरे गांव के लोगों का खेत और बगीचा इसी साइड में है। गांव के पास पहुंचते ही सबसे पहले मैं अपने सर पे रखती हूँ पल्लू, सर ढकना जरूरी होता है गांव में और मैं ढकती भी हूँ। तो अब हम लोग आ चुके हैं आबादी के पास, यहाँ से शुरू हो जाता है गांव। सबसे पहले यादव बस्ती है, उसके बाद से ब्राह्मण, तब राजपूतों का है। तो यहाँ पे पास में एक मंदिर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, यही है गढ़ी मंदिर। चूँकि यहाँ यज्ञ हो रहा है, यहीं पे सब महिलाएं आ रही हैं, वहाँ यज्ञ, तो उस फ्रंट से दिख नहीं रहा है मंदिर, तो ये मंदिर है। और ये है हमारा घर, हम लोग आ चुके हैं अपने घर के कैंपस में। और कैंपस फ्रंट साइड में तो बहुत ही बड़ा जगह छूटा हुआ है और मकान पुराना हो चुका है, काफ़ी पुराना मकान है और बाबा के ज़माने का बनाया हुआ मकान है। ये है चाचा ससुर और यहीं पे इनका ट्यूबवेल और पानी वानी पटाने का व्यवस्था है। ये सामने जो आप दिख रहा है वो सब हम लोग का व्यक्तिगत खेत है। और यही है हमारा घर का फ्रंट। घर में एंट्री लेते सबसे पहले मैं जा रही हूँ पूजा रूम में, लाइट नहीं है तो मैंने खोला है खिड़की। और ये कोने पे नरसिंह देवता का स्थान दिया हुआ है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक स्थान है इमेजिनरी। और ये चाची जी का रूम है, नेट परमानेंट लगा रहता है, यहाँ रहता कोई नहीं है, सिर्फ एक 5 नंबर की चाची रहती हैं 5वें नंबर पे जो हैं, और उसके बाद से सबसे बड़े ससुर की सबसे बड़ी बहू रहती है, 2 महिलाएं यहाँ सिर्फ रहती हैं, बाकी सब लोग अपने अपने घर में ताला बंद करके रखे हुए हैं। यही हमारी चाची जी है, बोलिए। आंगन में पर्याप्त धूप आने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा काम ये लोग आंगन में ही कर लेते हैं। और ये है हमारा रूम, हमारी सासू माँ का रूम और सासू माँ की व्यवस्था। तो ये किचन का सब सामान सब यहाँ पे एक रैक में रखती हैं और हमारे इस रूम से पूरा खेत दिखाई देता है। ये सारा खेत हम ही लोग के ससुर जी लोग का है, मतलब ददिया ससुर का। और ये हमारा दूसरा रूम जिसमें हमने बेड बना दिया है, कंबल मैं घर से ही लेके आई थी। और दूसरे बेड पर जो मेरी सासू माँ का शादी का बेड है वो अभी मैंने साफ़ नहीं किया है और घर बंद रहने के कारण काफ़ी गंदा हो जाता है। और ये है मिटकेस, हमारी सास कहती थी मिटकेस, आप लोग इसे क्या कहते हैं, एक छोटा सा मिनी सा कपबोर्ड है। और सब भी ससुर जी लोग के लिए, जितनी सास है सबके नाम पे दो दो रूम,
और फ्रंट साइड में दो है जो गेस्ट रूम है, ये है बड़ी ससुर ससुर जी की बड़ी बहू, दो महिला यहाँ रहती है, बाकी सब लोग अपने अपने घर में ताला बंद करके, आप देख सकते हैं घरों में लगी हुई है ताला। और आपको दिखा रही हूँ ये कम्युनिटी किचन है, सभी 6 किचन यहाँ बने हुए हैं अलग अलग, सब कोई अपना अपना ताला बंद किया है। अब जो यहाँ रहती हैं वो लोग अपने आंगन में ही चूल्हा वगैरह जला के काम करती है, और इधर है लैट्रिन बाथरूम और हैंडपम्प, और पीछे साइड में जो यहाँ पे जो 5वें नंबर की सासू माँ रहती है वो कुछ कुछ लगा रखी है, पपीता अमरूद नींबू, टाइम पास करती हैं अपना इसी सब चीज़ में। देखिए गाइस मैं जा रही हूँ पानी लाने, अंदर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है तो पीने के लिए या काम के लिए आपको पीछे से ही लाना पड़ता है, यही है गांव की ज़िंदगी, हर काम के लिए काम, कोई भी काम आप आसानी से नहीं कर सकते। ये देखिए पानी चल रहा है, पानी बढ़ता रहेगा, मैं भी अब पानी भर लूँ। गांव की ज़िंदगी किताबों में बहुत अच्छी होती है, भीनी भीनी खुशबू, मिट्टी की खुशबू, अब वो सब चीज़ देखने को मिलता भी नहीं है, सिर्फ जो लोग रहते हैं गांव में उन्हें पता है कि कितनी आसान होती है ज़िंदगी गांव में, हालांकि आसान होती नहीं है, बहुत टफ है गांव की ज़िंदगी भी, लेकिन बिना गांव के कोई रह भी नहीं सकता, गांव भी अपना है। ये देखिए जैसे मैं पानी लेने आई, पानी ख़त्म, मैं समय से नहीं आई, पानी ख़त्म। यहाँ मैं अब छत पे आ गई हूँ और छत से दिखा रही हूँ आपको अपने गांव का नज़ारा। ये जस्ट घर के बगल में ही सटा हुआ जो खेत है इसमें सरसों लगा हुआ है, सारी खेती गांव वाले चाचा जी जो हैं 5वें नंबर के वही देखते हैं, और ये बगल में लगा हुआ है रहरी। ऐसे तो गांव का शाम अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं खेत की तरफ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, आप मेरे पीछे देख सकते हैं सिर्फ हरियाली ही है। और अभी पतिदेव जी भी खेत में ही कुछ मुआयना कर रहे हैं, शायद खेत में सरसों लगी हुई है, अभी मैं उनसे कहूँगी कि थोड़ा सरसों का साग लेते आइए, ताकि कल जब मैं जाऊँगी अपने घर तो बनाऊँगी सरसों का साग और मक्के की रोटी। वो देखिए ससुर जी और सासू माँ पेड़ के नीचे आराम से बैठ के कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, और सासू माँ तो पूरा गाँती वाती बांध ली हैं, उनको ठंड ज़्यादा लग रही होगी, और सनसेट हो रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये सनसेट। सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है आप भी देख सकते हैं, पेड़ के बीच में सनसेट हो रहा है, और ये देखिए लकड़ी सुखाए जा रहे हैं, ठंड में तो लकड़ी में खाना बनता है, ठंड के सीज़न में तो बहुत ही अच्छा लगता है, स्वाद भी अच्छा लगता है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है, आराम से आप बना सकते हैं बैठ के, ठंड भी नहीं लगेगी, खाना भी बन जाएंगे, लेकिन गर्मी में मज़ा आ जाता है। सब धीरे धीरे गुनगुना रहा है, बड़का घंटी लीजिए, टन 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 बोले वाला, टून टून करा था, टन टन नहीं करा था। लाइट कट गई है और कैंडल का सहारा लेना पड़ रहा है, गांव में अभी इन्वर्टर वगैरह का व्यवस्था नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर तक लाइट कटती नहीं है, ये एक अच्छी बात है। इस बीच में हस्बैंड को पीना है चाय, तो मैं बना रही हूँ चाय। फ्रेंड्स खाना तो हम घर से भी लेके आए हैं, चाची जी ने भी पूछा खाने के लिए, लेकिन मैं घर से लेकर के आई हूँ, और सिर्फ मैंने अभी चावल बनाया है, ये कुकर में चावल चढ़ा दिया है, और अभी टेम्पररी व्यवस्था है हमारे यहाँ, हम लोग आना जाना होता नहीं है, अभी कुछ ऐसा काम है जो मैं बाद में बताऊंगी, इसलिए मुझे फ्रिक्वेंटली आना पड़ रहा है, तो टेम्पररी मैंने यहाँ व्यवस्था बना लिया है, थोड़ा बहुत चाय पानी हो जाता है, तो अभी चाची जी गई हैं कहीं और इनको पीना है चाय, तो मैं यहाँ बना रही हूँ अदरक वाली चाय, तो अब चले पीने चाय। बादशाह जैसा जो बैठ गया है, ये गांव में भी राशि ठाट हूँ चाय कच्ची की लेते हुए,
चाची जी बना रही है मकुनी सत्तू भर के और हम बैठ के उनसे बातें कर रहे हैं। उतने में खुश में शहर में एक दूसरा के देख देख के ही कष्ट में मालो। हाँ। खाने पीने की इतना व्यवस्था अब, लेकिन आप भी चल जाइए सिवाने वाने का। फ्रेंड्स, ये है आज का हम लोगों का डिनर। चिकन मैं घर से बना के लाई थी, पराठा भी लेके आई थी, यहाँ सिर्फ चावल बनाई हूँ और मैंने प्याज काटा है। मैं इनको दे दूँ, फिर उसके बाद से अपने लिए भी निकाल लूँगी। अभी मैं फिर से आ गई हूँ पीछे साइड बाड़ी में पानी लेने के लिए। कहना आसान है गाइस कि गांव की ज़िंदगी बहुत कष्टदायक है इस मामले में। शहर में दो रूम का मकान है, उसी में आपको रहना है। सारी व्यवस्था आसपास में ही है। यहाँ हर चीज़ के लिए जितने देर में मैं सारा काम कर लेती उतने देर में सिर्फ मैं बर्तन साफ़ कर पा रही हूँ। अभी मैं पानी लेके जाऊंगी, तब करूंगी बर्तन की सफाई। तो अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की समाप्ति। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड नाइट। अरे तू डर नहीं रही हो?